नमस्कार, जय माता दी। मैं सोनी भगत जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप पहचान करें कि आपके घर पे तंत्र मंत्र या आपका परिवार किसी नेगेटिव ऊर्जा का शिकार है। तो उसको पता लगाने के लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी। जैसे घर में 24 घंटे कलेश का माहौल रहना, बात बेबात लड़ाई झगड़े रहना, मन मुटाव रहना, ये एक नेगेटिव ऊर्जा का ही लक्षण है। व्यक्ति का लगातार बीमार रहना, कभी कभी कई बार होता है कि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन बीमारी ही समझ नहीं आ रही, दवाई ना लगना। हमेशा उस व्यक्ति को कुछ आप दवाई खिलाएंगे तो भी उसको दवाई का असर नहीं होगा। उसके दिमाग में चक्कर रहना, आंखें उसकी लाल रहती हैं और बात बेबात में व्यक्ति लड़ने लगता है। आपने किसी को देखा होगा, स्वभाव उसका शांत रहता है लेकिन कुछ समय बाद जब उस पर किसी नेगेटिव ऊर्जा का किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति बात विवाद लड़ने लगता है, उसका व्यवहार ही चेंज हो जाता है। तो सपने में उसको किसी नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होना, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप दिन में भी चलते फिरते भी आप किसी नेगेटिव ऊर्जा का एहसास करते हैं। उनको ग्रसित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी उसके साथ चल रही है। रात को सोते समय कभी ऐसा लगेगा कि तकिया किसी ने दबा दिया या बेड पे जो गद्दा होता है उसके पास आके कोई व्यक्ति बैठ जाता है, उसको इस तरह का एहसास होता है। कई बार उसके कानों में अनसुनी बातें गुनगुनाने की आवाज़ आती है कि कोई मेरे पास खड़ा होकर मेरे सर पे या मेरे पैरों की तरफ या मेरे पास में बैठ कर बातें कर रहा है। वह बातें सुन नहीं पाता लेकिन उसको बातों की आवाज़ कानों में आती रहती है। कई बार लक्षण होता है किसी किसी व्यक्ति को कि उससे कोई बात करता है, जैसे वह व्यक्ति से बात करो तो वह कान में ऊर्जा उसको बताती है, इसको ऐसे जवाब दे, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। ना चाहकर भी व्यक्ति लड़ने के लिए, बात विवाद के लिए विवश हो जाता है और वह कई बार जवाब दे देता है। हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज हो चुका है या उसको अकल नहीं है या इसको क्या हो रहा है, लेकिन हो सकता है वह किसी ऊर्जा का शिकार हो। रात में स्वप्न में वह सो नहीं पाता, रात में हमेशा 12 बजे के बाद वह जगह जगह सा रहता है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और सुबह 4 बजे के बाद ही उसको नींद आती है। नींद में भी वह डरता है, कभी उसको किसी औरत के रूप में, कभी किसी के पुरुष के रूप में उसको कोई एनर्जी डराती है, कभी बाल रूप में भी आकर, बच्चे के रूप में भी आकर उसको एनर्जी डराती है। तो यदि आप इस लक्षणों से ग्रसित हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी है और आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 85 27 23 36 46। मैं सोनी भगत जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और हमारे यहाँ श्री बालाजी महाराज, महाकाली और पीर बाबा का दरबार लगाया जाता है। रोज़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक दरबार लगता है। आप फ़ोन करके दरबार में सीधा आइए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। मेरे दोस्तों, तंत्र मंत्र से सब कुछ संभव है, मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर करता है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास जब तक होता है जब तक इंसान पे स्वयं ना पीते। दूसरे की दर्द कभी इंसान महसूस नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर स्वयं वो ना पीते। तो मेरे दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री राम।